एंड ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आप कोई भी एक चीज़ मिस आउट नहीं कर सकते इट इज़ लाइक अ स्टोरी। इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, हुआ। फिर तो मजे से पूरा चैप्टर पढ़ना आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है एंड सीटी कहाजम सिंगल इंडिविजुअल इज ऑफन आइडेंटिफाइड मेकिंग ऑफ अ नेशन और ऐसे सिंगल इंडिविजुअल इंडिया में कौन है महात्मा गांधी जी दैट इज वाई इंडियन रूपी के नोट पे भी उन्हीं की पिक्चर है राइट right? सो so, जैसे हम कंपेयर करें जॉर्ज वॉशिंगटन है अमेरिकन वॉर के लिए मिन है वियतनाम के लिए ऐसे ही सिमिलरली महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ इंडियन नेशन क्लियर है चलिए भैया दिस चैप्टर एनालाइजेज गांधी जीज एक्टिविटीज इन इंडिया ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड ऑफ नाइनटीन से शुरुआत हुई और फिर 1948 तक ये टाइमलाइन है इस चैप्टर की ये आपको ध्यान रखनी है यानी कि आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस 1948 तक हम सब कुछ डिस्कस करेंगे Uh, एकदम क्रोनोलॉजिकली क्या क्या हुआ क्लियर है चलिए अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ कि जो इंट्रोडक्शन हुआ गांधी जी का इंडिया में क्लियर है जब वो शुरुआत में आए हम एकदम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं सो इन जनवरी 1915 मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू हिज होमलैंड इंडिया आफ्टर टू डेकेज ऑफ रेजिडेंस अब्रॉड 20 साल वो बाहर साउथ अफ्रीका में रह के आए कब आए फाइनली इंडिया में 1915 जनवरी 1915 में क्लियर है पहले कहाँ थे वो साउथ अफ्रीका में थे जहाँ पे वो एक लॉयर की तरह गए थे एंड इन टाइम वो वहाँ पे एक इंडियन लीडर बन गए लीडर ऑफ द इंडियन कम्युनिटी तो वहाँ पे भी अगर इंडियन कम्युनिटी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है वो आवाज़ उठाते थे राइट है राइट तो वो सारे जो लीडरशिप क्वालिटीज वो स्टेप्स ना साउथ अफ्रीका से शुरू हो गए थे राइट एज द हिस्टोरियन चंद्रन देवानसन हैज रिमार्क्ड जैसा चंद्रन देवानसन हिस्टोरियन ने बोला है दैट साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ द महात्मा ये लीडरशिप जर्नी वहीं से शुरू हो गई थी राइट इट वाज द मेकिंग ऑफ द महात्मा सीईयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट है हु सेट दिस क्लियर चलिए इट वाज इन साउथ अफ्रीका कि महात्मा गांधी जी ने पहली बार

डिस्क्रिमिनेशन uh, कर रहे हैं लोअर कास्ट या विमेन के साथ वो वहाँ पे भी बोलते थे दैट दिस इज रॉन्ग एंड ही यूज टू टेक स्टेप्स क्लियर है तो वहीं से दैट इज वाई इट इज़ नोन एज द मेकिंग ऑफ महात्मा चलिए आगे चलते हैं अब क्या हुआ इंडिया में आ गए नाइनटीन फिफ्टीन में अब जैसी वो इंडिया छोड़ के गए थे 20 साल पहले अब वापस आके देख रहे हैं तो ऑब्वियसली काफ़ी चेंज है इट वॉज नॉट द सेम इंडिया विच ही लेफ्ट टू डेकेज बिफोर क्यों भैया क्योंकि अभी वो पॉलिटिकल सेंस में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इंडिया इज़ नाव मोर एक्टिव इन पोलिटिकल सेंस यानी कि पोलिटिकल पार्टीज ज़्यादा काम कर रही हैं लोग ज़्यादा अलर्ट है चेंज बनाने का टाइम आ चुका है देर इज स्पेस फॉर एक्चुअली मूविंग पीपल टू एक्शन एंड काफ़ी चेंज लाया जा सकता है इस सोसाइटी में क्लियर है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाउ हैड अ लॉट ऑफ ब्रांचेज इन सिटीज एंड टाउन्स जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी आई एन सी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो रही थी धीरे धीरे क्लियर है कैसे सबसे पहली चीज थ्रू द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905 टू तो 1907 स्वदेशी मूवमेंट में क्या था आ, ऐसा बोला गया था कि जो सारे ब्रिटिश मेड गुड्स हैं उनको बॉयकॉट कर दीजिए एंड हम सेल्फ सफिशियंसी पे फोकस करेंगे जैसे अभी आत्मनिर्भर भारत बोला है मोदी जी ने वैसे ही क्लियर है तो इस मूवमेंट से क्या हुआ ब्रॉडन हुई अपील इंडियन नेशनल कांग्रेस की अब मिडिल क्लास लोग भी उसके में आने लगे सो so, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का यू uh, नो you know, एक एक्सपैंस था वो ब्रॉडन होने लगा पुअर लोगों के साथ साथ मिडिल क्लास के साथ साथ हाई पीपल क्लियर है चलिए अब स्वदेशी मूवमेंट में सबसे जाने माने लीडर्स कौन से थे लाल बाल पाल व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज लाल बाल पाल बाल गंगाधर तिलक ऑफ महाराष्ट्र बिपिन चंद्र पाल ऑफ बंगाल एंड लाला लाजपत राय ऑफ पंजाब इन तीनों लीडर्स के नाम से बना है लाल बालान पाल बट इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इसकी सिग्निफिकेंस है ऑल इंडिया कैरेक्टर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि तीनों लीडर्स अलग अलग कोने से हैं इंडिया के बट दे कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स तो एक ऑल इंडिया कैरेक्टर दिखा रहा है फ्रीडम स्ट्रगल का आई बात समझ में चलिए और हमारे लाल बाल पाल लीडर्स मिलिटेंट ऑपोजिशन टू कोलोनियल रूल में बिलीव करते थे कि हमें इनकी आ, इनको अपोज़ करने के लिए हथियार उठाने पड़ेंगे इनका यू you नो know, सामना करना पड़ेगा चाहे वॉर ही क्यों ना करनी पड़े राइट सो so, सबसे पहले आते हैं मिलिटेंट ठीक है militant, फिर आते हैं मॉडरेट जो बिलीव करते हैं कि आइडियाज़ भी के साथ साथ थोड़ा सा वॉयलेंस भी यू नो रिक्वायर्ड है क्लियर है चलिए सो मॉडरेट्स में कौन कौन आता था गांधी जी पोलिटिकल मेंटर गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले यहीं पे सीयूटी का क्वेश्चन बन जाता है हु वॉज गांधी जी पोलिटिकल मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले एंड मोहम्मद अली जिना भी एक मॉडरेट थे मोहम्मद अली जिना एकदम जैसे महात्मा गांधी जी इंडिया के लिए हैं पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द सेम फिगर क्लियर है चलिए अब एज एडवाइज बाय गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल मैंटोर ने उन्हें बोला कि आप एक साल ना ब्रिटिश इंडिया में ट्रैवल करो ताकि आपको जानने को मिले कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है आप सोसाइटी को समझ सकें तो यही हुआ ठीक है फिर आफ्टर वन ईयर फेब्ररी 1916 में सबसे पहली बार गांधी जी ने अपनी पब्लिक अपियरेंस करी कब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जब एस्टैब्लिश हो रही थी इन फेब्ररी 1916 बीएचयू बी क्लियर चलिए ये इधर यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े प्रिंसेस फिलंथ्रोफिस्ट पॉलिटिकल लीडर्स प्रेजेंट थे फॉर एग्जाम्पल एनी बेसेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रही हैं कांग्रेस की और भैया इनके बीच में तो गांधी जी वॉज अननोन अभी तक गांधी जी को कोई जानता भी नहीं था उनको तो इन्वाइट उनके काम के बेसिस पे किया था वो भी इन साउथ अफ्रीका इंडिया में अभी तक उन्होंने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया था एंड ही वॉज इन्वाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क ही डिड इन साउथ अफ्रीका क्लियर है सो ही वॉज अननोन चलिए आगे चलते हैं फिर क्या हुआ वेन हिज टर्न केम टू स्पीक अब गांधी जी ने अपनी स्पीच में क्या बोला गांधी जी चार्ज द इंडियन एलीट विद लैक ऑफ कंसर्न फॉर द लेबरिंग पुअर इसका मतलब क्या है गांधी जी ने बोला कि ये देखिए ये जो शो है अभी जहाँ मैं स्पीच दे रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन एलीट लोग बैठे हैं जो जाने माने प्रिंसेज हैं फिलेंथ्रोफिस्ट हैं पॉलिटिकल लीडर्स हैं इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं सारे अमीर लोग प्रेजेंट है यहाँ पे बट जो हमारी देश की मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है जो पुअर पीपल है उनमें से कोई एक भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे नहीं है इससे हमें पता चलता है कि हम कैसे बिल्कुल भी कंसर्न्ड uh, नहीं है अबाउट द पुअर पीपल हु वर्क फॉर अस क्लियर है द ओपनिंग ऑफ बी एच यू वो सर्टनली अ मोस्ट गॉर्जियस शो बहुत अच्छा तो था ही ये बट सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट क्या है कि यहाँ पे रिचली बीडेक्ट नोबल मैन प्रेजेंट हैं कौन प्रेजेंट है रिच लोग प्रेजेंट हैं एंड मिलियंस ऑफ पुअर इंडियंस एबसेंट है क्लियर है तो इसी से हमें पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा बायसनेस है और कैसे हम बहुत ज्यादा ही इग्नोर कर रहे हैं मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को चलिए उन्होंने बोला इफ़ वी टेक अवे और अलाउ अदर्स टू टेक अवे फ्रॉम द प्रजेंट्स ऑलमोस्ट द होल ऑफ़ द रिजल्ट ऑफ देयर लेबर जैसे भैया ये जो ज़मींदारी सिस्टम था जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था जो रेवेन्यू सिस्टम था इससे बेचारे पेजेंट्स तो भैया रेंट ही देते रह जाते थे उनको कुछ मिलता ही नहीं था अपने प्रोडक्शन से है ना सो आर सेल्वेशन कैन ओनली कम थ्रू द फार्मर हम खुद आज़ाद तभी हो सकते हैं जब हम फार्मर्स के थ्रू अपना ये प्रोटेस्ट करें और उनको भी अपने जैसा एक ही सोसाइटी का पार्ट बनाएँ क्लियर है हम उनको निगलेक्ट करके हम सोचे हमें आज़ादी मिल जाएगी ऐसा नहीं हो सकता अब जो बी की ओपनिंग थी वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा स्टेप तो था ही क्योंकि वो एक नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी थी जो इंडियन मनी और इंडियन इनिशिएटिव के कारण बनी थी जिसमें फिरंगियों का ब्रिटिशर्स का कोई भी रोल नहीं था सो बट स्टिल इंस्टेड ऑफ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन की टोन अपनाना गांधी जी ने सबको याद दिलाया ऑफ़ द प्रजेंट्स एंड वर्कर्स हु आर अ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बट येट दे आर अनरिप्रजेंटेड इन द ऑडियंस तब भी वो ऑडियंस का पार्ट नहीं है गांधी जी ने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया कि ऐसा क्यों है और हमें इसे चेंज करना पड़ेगा ये जो स्पीच थी गांधी जी की वो एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट तो थी ही कि भैया इंडियन नेशनलिज्म वॉज अ एलिट फिनमिना जो इंडियन नेशनलिज्म है ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी Uh, के बलबूते पे चल रहे है। वो है एलीट कि रिच लोग क्लियर है और दूसरी तरफ एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट थी उनकी इंटेंशन क्या थी कि हम इसको फैलाएं इसको और ज्यादा ब्रॉडन करें क्लियर है एलिट के साथ साथ ये पुअर पीपल को भी पहुंचे क्या जो फ्रीडम स्ट्रगल है जो स्टेप्स हमें लेने हैं वो मिलके लेने हैं गांधी जीज ओन डिजायर टू मेक इंडियन नेशनलिज्म मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पीपल एज अ होल क्लियर है मिलके सब करेंगे तभी बदलाव आ सकता है आई बात समझ में चलिए अच्छा जी अभी ये तो बस स्पीच की बात हुई फिर गांधी जी को दिसंबर 1916 में एक मौका मिला अपनी इस स्पीच को अपने आइडियाज को प्रैक्टिस में पुट करने का ये सब हमने इंडिगो चैप्टर क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश में पढ़ा है कि कैसे कहाँ पे चंपारण में बिहार में गांधी जी ने इंडिगो प्लांटर्स की मदद करी क्लियर है सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वॉट वॉज सेट इन द स्पीच इन फेब्री 1916 क्लियर है चलिए तो ये पूरा एक इंट्रोडक्शन था गांधी जी का हाउ ही एक्चुअली एस्टेब्लिश हिमसेल्फ इन द इंडियन नेशनल स्ट्रगल क्लियर है अब हम पढ़ेंगे द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन कैसे वो इम्प्लीमेंटेशन जो स्टेप्स थे वो ब्रॉडन होते गए क्या क्या स्ट्रगल आया किस किस की मदद करी क्लियर है नाउ वी विल मूव ऑन टू द इवेंट्स चलिए अब जैसे हमने पढ़ा दिसंबर 1916 में चंपारण में इंडिगो प्लांटर्स की हेल्प करी गांधी जी ने राइट right? सो so, जो मच ऑफ 1917 था वो चंपारण में ही गुजर गया फॉर ऑप्टेनिंग पेजेंट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्लस फ्रीडम टू कल्टिवेट द क्रॉप्स ऑफ देयर चॉइस ये हमने पढ़ा हुआ है राइट right? इंग्लिश में सो so इसमें टेंशन नहीं लेनी है बस ये की आपको याद करने हैं अब देखिए नाइनटीन में दो कैंपेन्स करें सबसे पहला दोनों कैंपेन्स कहाँ थे इन हिज होम स्टेट ऑफ गुजरात गुजरात में ही थे ठीक है 1918 में गुजरात में दो कैंपेंस करे सबसे पहला लेबर डिस्प्यूट इन अहमदाबाद ठीक है ऐसे आपको ना शॉर्ट से नोट्स बनाने हैं ताकि आपको याद रहे कहा क्या हुआ और कब हुआ ठीक है uh, डिमांड किसकी करी गई बेटर वर्किंग फॉर द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स एंड फिर पेजेंट्स इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ठीक है पे क्या मांगा गया रेमिशन ऑफ टैक्सेस फॉलोइंग द फेलियर ऑफ देयर हार्वेस्ट के टैक्सेस को कम किया जाए ठीक है ये जो मैं अंडरलाइन करी ये कीवर्ड्स हैं ये आपको लिख के आने आंसर में ठीक है उसके बाद देखिए ग्राउंड लेवल से चीज़ों को बदलना चाहते हैं ठीक है एट द सेम टाइम दीज वर ऑल लोकलाइज्ड स्ट्रगल्स, ये लोकलाइज स्ट्रगल्स थे यानी कि एक पूरा नेशनल लेवल पे नहीं था ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था या फिर स्टेट लेवल पे था तो ये लोकल थे अब हम देखेंगे कैसे उनको एक नेशनलिस्ट मूवमेंट लोकल से वो नेशन वाइड स्ट्रगल की तरफ बढ़े क्लियर है चलिए 1919 में उन्हें ये मौका मिला कि वो लोकल से पूरा एक नेशन वाइड मूवमेंट लीड कर सके कैसे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी 1914 से 1918 की जिसे बोलते हैं ग्रेट वॉर उसके दौरान ब्रिटिशर्स ने क्या किया सेंसरशिप ऑफ द प्रेस को लगा दिया जैसे इमरजेंसी के टाइम पे हमें लगी थी कि भैया कुछ भी ऐसा प्रिंट नहीं होगा जो गवर्नमेंट से बिना पूछे किया जाए गवर्नमेंट ही बताएगी कि यस यस ये आप कर सकते हैं ये आप नहीं लिख सकते सेंसरशिप होगी चेक लगेगा क्या मीडिया में जा रहा है और क्या नहीं जा रहा है और उसके बाद प्रिवेंटि परमेटिव डिटेंशन विदाउट ट्रायल प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है वो भी परमिट कर दिया गया कि भैया अगर किसी को आप पे शक है तो भी आपको जेल में डाला सक डाला जा सकता है और विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स जो प्रोविज़न होता है कि आपको यू नो मैजिस्ट्रेट के आगे प्रोवाइड किया जाएगा प्रोड्यूस किया जाएगा वो भी हटा दिया गया तो जो इमरजेंसी वाले प्रोविजन्स होते हैं वो लगा दिए गए ड्यूरिंग 1919 नाइनटीन एज अ रेपोकशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो भैया जी अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन करनी थी इन रूल्स की इंडिया में वो सर सिडनी रोलेट को करनी थी राइट सो रोलेट एक्ट जो बोला जाता है उसका मतलब यही है सो अ नेशनल मूवमेंट वॉज यू नो कॉल्ड फॉर अगेंस्ट द रोलेट एक्ट क्लियर है समझ आया क्यों क्यों सबसे बड़ी बात की भैया जो कि भैया पंजाब में इतने सारे इंडियन लोगों ने ब्रिटिशर्स की तरफ से वॉर में पार्टिसिपेट किया था उनको रिवॉर्ड देने की बजाय तुम उसे तुम उन्हें उल्टे में रोल अटैक दे रहे हो तो ऑब्वियसली इंडियन लोगों को तो गुस्सा आएगा ही आएगा क्लियर है सो so, इसके अगेंस्ट एक पूरा नेशन वाइड मूवमेंट किया गया जिसमें क्या हुआ लाइफ केम टू अ स्टैंड स्टिल ठीक है शॉप्स शट डाउन लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी स्कूल्स क्लोज कर दिए इन रिस्पांस टू द बा कॉल कि हम सब कुछ बंद कर देंगे हम कोई भी कुछ नहीं करेगा जब गांधी जी पंजाब की तरफ जा रहे थे तो उन्हें डिटेन भी कर लिया था और फिर अरेस्ट कर लिया था एंड भैया ये रोलेट एक्ट के बाद ही है जो हमारा जलिया वाला बा, बाग बाघ मसाकर हुआ इन दर नाइनटीन नाइनटीन इट

कि जो जो ब्रिटिशर्स ने आपको काम दिया हुआ है आप बंद कर दो रोक दो स्टूडेंट्स है वो स्कूल कॉलेज अटेंड करना बंद कर दे लॉ कोर्ट्स में जाना बंद कर दे लॉयर्स और टैक्सेस पे करना बंद कर दे अगर हम ऐसे करेंगे तो गांधी जी ने बोला विद इन वन ईयर वी कैन विन स्वराज हम आजाद हो सकते हैं ठीक है सो इट वॉज सो गांधी जी कॉल्ड फॉर अ रिनाउंसिएशन ऑफ ऑल वौल वॉलेंटरी एसोसिएशन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लियर है चलिए इसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब इसको और ज्यादा ब्रॉडन करने के लिए क्या किया गया खिलाफत मूवमेंट के साथ इसको जोड़ दिया गया टू फर्दर ब्रॉडन द स्ट्रगल कि भैया जो हिंदू मुस्लिम साथ आ जाए तो क्या किया जाए खिलाफत मूवमेंट भी ऐड कर दी इसमें ही हैड जॉइ हैंड्स विद खिलाफत मूवमेंट दैट सॉट टू रिस्टोर दैलिफेट और खलीफा और सिंबल ऑफ पैन व्हिच विच रिसेंटली बीन अबॉलिश बाय द टर्किश रूलर केमाल अतातुर्क अभी हम समझते हैं खिलाफत मूवमेंट क्या थी खिलाफत मूवमेंट 1919 टू नाइनटीन वाज अ मूवमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स लेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली दैट डिमांडेड द फॉलोइंग भैया जो टर्किस सुल्तान है या फिर खलीफा है उन्हें मुस्लिम सेक्रेट प्लेसेस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा ठीक है इन द ओटोमैन एम्पायर जो टर्की का एम्पायर था तब क्लियर है क्योंकि बहुत सीक्रेट प्लेसेस है एंड यू कांट लेट गो ऑफ देम फिर द जज़ीरत अरब यानी कि अरेबिया सीरिया इराक पैलेस्टाइन मस्ट रिमेन अंडर मुस्लिम सोवेरिटी ये डिमांड्स थी एंड द खलीफा मस्ट बी लेफ्ट विद सफिशेंट टेरिटरी टू इनेबल हिम टू डिफेंड द इस्लामिक फेथ कि आपको पावरफुल भी रहना है ताकि जो हमारा इस्लामिक फेथ है वो बना रहे सो द कांग्रेस सपोर्टेड द मूवमेंट एंड महात्मा गांधी सॉट टू कॉन्जॉइन इट विद द नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट ताकि और ज़्यादा जो बेस है वो वाइडन हो जाए हिंदू मुस्लिम्स साथ में आ जाए यूनिफिकेशन हो जाए क्लियर है चलिए ये वाला पार्ट जो अब हम पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है फॉर लॉन्ग आंसर एज वेल तो ध्यान दीजिएगा क्लियर है चलिए नेटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट गांधी जी होप डिंग नॉन कॉपरेशन विद खिलाफत इंडिया टू मेजर रिलीजियस ग्रुप्स कम्युनिटीज हिंदूज एंड मुस्लिम कूड कलेक्टिवली ब्रिंग एंड एंड टू कॉलोनियल रूल ये हम समझ चुके समझ चुके हैं तो नॉन कॉपरेशन के दौरान क्या हुआ स्टूडेंट्स स्टॉप गोइंग टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस लॉयर्स रिफ्यूज टू अटेंड द कोर्ट वर्किंग क्लास वेंट ऑन स्ट्राइक इन मैनी टाउन्स एंड सिटीज क्लियर है सब कुछ एक स्टैंड स्टिल आ गया हालांकि कंट्री साइड यानि कि रूरल एरियाज़ विलेजेस में भी काफ़ी डिसकंटेंट था कैसे भैया जो हिल ट्राइब्स थी नदर्न आंध्रा में उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को वॉयलेट किया ये सब आपको आंसर में लिख के आना है जो भी हाईलाइटेड है क्लियर है जो फार्मर्स थे अवध में उन्होंने टैक्सेस देना बंद कर दिया जो पेजेंट्स थे कुमाऊँ में उन्होंने ऑफिशियल्स uh, के ब्रिटिशर्स के जो लोड्स हैं उनको कैरी करना मना कर दिया कि हम आपका सामान नहीं लेके जाएंगे फॉरेस्ट एरिया में कि हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे क्लियर है उसके बाद क्या हुआ क्लियर है सो so इस स्केल पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहुंच गई तो अब लोकल से लोकल पीपल वर एबल टू अंडरस्टैंड कि भैया हम कॉलोनियल रूल ब्रिटिशर्स की किसी भी चीज़ के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे राइट ठीक है चलिए आगे देखिए अमेरिकन बायोग्राफर लुइस फिशर जो महात्मा गांधी जी के बायोग्राफर थे उन्होंने लिखा दैट नॉन कॉपरेशन बिकेम द नेम ऑफ एन एपोक इन द लाइफ ऑफ इंडिया एंड ऑफ गांधी एपोक यानी कि एक एरा ऐसा एक रिमार्केबल इवेंट रह गया जो जनरेशन ऑन जनरेशन याद रहेगा क्लियर है सो भैया नॉन कॉपरेशन वॉज नेगेटिव इनफ टू बी पीसफुल एंड पॉजिटिव इनफ टू बी इफेक्टिव राइट नॉन कॉपरेशन का बेसिक मतलब क्या था डिनाइल का कोई काम नहीं करेंगे सेल्फ रूल करेंगे राइट इट वाज़ द ट्रेनिंग फॉर सेल्फ रूल हम अपनी मन मर्जी से चलेंगे और सारे ब्रिटिशर्स के प्रोड्यूस्ड गुड्स को और उनकी टास्क को हम बॉयकॉट करेंगे क्लियर है चलिए भैया अब देखिए सो दिस वॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश राजीन फिफ्टी सेवन एटीन 1857 1857 के बाद भैया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी जिसने इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म कैसे हुई और क्यों हुई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा फेब्रवरी 1922 में अ ग्रुप ऑफ पेजेंट्स अटैक्ड एंड टॉर्च्ड अ पुलिस स्टेशन इन हैमलेट ऑफ चौरी चौरा चौरी चौरा में जो यूपी में एक जगह है मैप पॉइंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी प्लेसेस जो भी मैंने आपको हाईलाइट की हुई हैं मैप मैं प्रोवाइड करूंगी डोंट वरी चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन में काफ़ी सारे पेजेंट्स ने मिलके आग लगा दी एंड उस आग में काफ़ी सारे कॉन्स्टेबल्स की डेथ भी हो गई तो ये जो नेचर था ये वॉयलेंट हो गया एक्ट ऑफ वॉयलेंस था इसीलिए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया ही डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट ऑल टूगेदर क्योंकि अब इसने एक वॉयलेंट एक्ट में पेस ले लिया था क्लियर है चलिए सो so, ऐसे हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट केम टू एन एंड अब भैया ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस वर पुट इन जेल गांधी जी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड इन मार्च नाइनटीन क्लियर है जब गांधी जी अरेस्ट हुए और उनको उन पे सेडिशन का चार्ज लगा तो जो जज थे जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड ही ऑल्सो स्टेटेड कि आप ऑब्वियसली uh, बहुत सारे लोगों से हटके हैं अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आपकी सेंटेंस को रिड्यूस कर देता बट लॉ इज़ लॉ यू आर अ ग्रेट पेट्रियाट एंड अ लीडर ही वॉज हिमसेल्फ इंप्रेस्ड विद गांधी जी तो गांधी जी को तब छः साल की इम्प्रम्प्रिजनमेंट imprison, हुई बट एनी वे गांधी जी दो साल बाद बाहर आ गए फ्रॉम द जेल क्लियर है अब हम आगे पढ़ेंगे चलिए पीपल्स लीडर ये आता है लॉन्ग आंसर में वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लियर है ये प्रिपेयर करके जाना है देखिए गांधी जी ने जब 1916 में कहा था दैट इंडियन नेशनलिज्म वाज अ फिनोमेना ऑफ एलिट वो फाइनली चेंज हो गया था इट वॉज नो लॉन्गर मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स एंड इंटेलेक्चुअल्स नाउ हंड्रेड ऑफ ऑफ था वर्कर्स एंड आर्टिस्ट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट इन वॉट नेशनल मूवमेंट क्लियर है तो फाइनली ये हमारा इम्प्लीमेंट हो पाया उनका आइडिया ठीक है जी अब भैया मेनी ऑफ देम वेनरेटेड गांधी जी पूजते थे लोग गांधी जी को दे रेफर टू हिम एज महात्मा समझ रहे हो बात वहां से ये नेम निकलना शुरू हुआ क्यों भैया अब देखिए क्या चीजें थी जो लोगों के साथ रेजोनेट करती थी गांधी जी की कि ही ड्रेस्ड लाइक दैम एकदम सिंपल ही स्पोक देयर लैंग्वेज ही लिव्ड लाइक दैम ही डिड नॉट स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द कॉमन फोक उल्टा वो उनके साथ ही एम्पथाइज करते थे और आइडेंटिफाइड विद दैम एकदम उनके जैसे सिंपल लाइफ स्टाइल सिंपल कपड़ों और सिंपल खाने पे रहते थे क्लियर है चलिए वाइल अदर नेशनल लीडर्स दे वोर वेस्टर्न सूट या फिर इंडियन बंद गला अच्छे अच्छे फॉर्मल कपड़े पहनते थे गांधी जी सिंपली वोर धोती और अ क्लॉथ क्लियर है एक आम आदमी की तरह ठीक है और वो ही स्पेंट पार्ट ऑफ ईच डे वर्किंग ऑन द चरखा स्पिनिंग व्हील ठीक है और सबको बोलते थे कि आप भी ऐसा ही कीजिए द एक्ट ऑफ स्पिनिंग अलाउड गांधी जी टू ब्रेक द बाउंड्रीज बिटवीन मेंटल लेबर एंड मैनुअल लेबर क्लियर है वो मेंटली इतने एक्टिव हैं इतना सोच रहे हैं इवेंट्स कर रहे हैं तो वो मैनुअली भी काम करें और रूट से जुड़े रहें सेल्फ सफिशिएंट जो सेल्फ रूल का मोटो है वो हमारा चरखा से ही इंस्पायर होके आया है क्लियर है चलिए वेर एवर गांधी जी इवेंट रियूमर्स स्प्रेड ऑफ इस मेराक्यूल पावर्स लोग गांधी जी को एकदम एक यू नो मजिशियन की तरह एक भगवान की तरह देखने लगे कि भैया ये तो कमाल कर देते हैं देखिए क्या क्या र्यूमर्स फैले उनके नाम पे कि, कि इनको तो किंग ने भेजा है टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेज ऑफ द फार्मर्स फार्मर्स की सारी दुखों को दूर करने के लिए प्रॉब्लम्स को मिटा देने के लिए ही वॉज सेंट बाय द किंग एंड इनके पास पावर थी टू ओवर रूल दी लोकल ऑफिशियल्स इनके पास पावर थी लोगों को अब जो ये कहेंगे लोग मान लेंगे चाहे वो लोकल ऑफिशियल्स तालुकदार ज़मींदार ही क्यों ना हो या फिर ब्रिटिशर्स भी क्यों ना हो ठीक है सो गांधी जी इज पावर वो दैट ऑफ द इंग्लिश मोनार्क ऐसा सोचते थे लोग जो इंग्लिश मोनार्क इंग्लैंड का क्राउन है जो इंग्लैंड का पार्लियामेंट है उससे भी ज्यादा बड़ी पावर थी गांधी जी के पास एंड जैसे ही वो आएंगे तो जो कॉलोनियल रूलर्स हैं वो डर के भाग जाएंगे और हमारे डिस्ट्रिक्ट को हमार, हम, हमारे पास छोड़ जाएंगे क्लियर है स्टोरीज आल्सो रिपोर्टेड दैट डायर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर दोज हु अपोज हिम जो गांधी जी को अपोज करते थे या फिर पसंद नहीं करते थे उनके साथ बहुत बुरा होता था फॉर एग्जांपल उनके क्रॉप्स uh, फेल हो जाते थे या फिर उनके घर टूटने लगते थे ऐसे ऐसी ऐसी अफवाहें फैलती थी उस टाइम क्लियर है चलिए अब इस पैराग्राफ के बाद जो हमारा है हाउ डिड गांधी जी यू नो रेजोनेट विद द पीपल वाई वॉज ही कॉल्ड पीपल्स लीडर उसके बाद ये वाला पैराग्राफ है जो कंटिन्यूएशन में आप आंसर लिखेंगे कि भैया ही वॉज़ नोन वेरियसली एज गांधी बाबा गांधी महाराज और सिंपली एज महात्मा ठीक है, है, उनको बचा लेगा जो, और उनकी लाइफ में डिग्निटी और ऑटोनॉमी वापस लाएंगे क्लियर है चलिए भैया गांधी जी एक, एक एसेटिक लाइफस्टाइल जीते थे एकदम सिंपल लोगों की तरह वो यूज uh, uh, करते थे ऑफ सिंबल्स सच एज द धोती एंड द चरखा जो हम यहाँ बात कर चुके हैं बाई कास्ट ही वॉज अ मर्चेंट एंड बाई प्रोफेशन ही वॉज अ लॉयर चलिए आगे चलते हैं अब हमने यहाँ तक पढ़ा कि चलो मा, आ, मान लिया हमने कि महात्मा गांधी जी मास अपील वॉज अनडाउटेडली जेनुइन। उन्होंने लोगों तक स्प्रेड करी इस मूवमेंट को बट ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइज वे से चीजें होंगी तभी ये पॉसिबल हो पाएगा क्या पॉसिबल हो जाएगा हो पाएगा ब्रॉडनिंग द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म तो भैया कैसे हुआ सबसे पहले न्यू ब्रांचेस ऑफ द कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रांचेस को सेटअप किया गया इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया ठीक है कोने कोने तक अ सीरीज़ ऑफ़ प्रजा मंडल्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट द नेशनलिस्ट क्रीड इन द प्रिंसली स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स में प्रजा मंडल्स एस्टैब्लिश करे गए क्लियर है सेकंड पॉइंट ठीक है तीसरी बात जो मूव जो कम्युनिकेशन थी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट की जो भी बातें थी वो मदर टंग में फैलाई गई इंग्लिश में बात नहीं की गई ऐसी लैंग्वेज में बात की गई कि हर इंसान को समझ आए लोकल से लोकल विलेज में भी लोगों को ये बात समझ आए क्लियर है सो so, यू फोकस ऑन द मदर टंग इंस्टेड ऑफ इंग्लिश जो प्रोविंशियल कमिटीज़ थी कांग्रेस की वो लिंग्विस्टिक रीजन्स के बेसिस पे बनाई गई थी इंस्टेड ऑफ़ द आर्टिफिशियल बाउंड्रीज मेड बाय द ब्रिटिश किस बेसिस पे कांग्रेस की कमिटीज़ बनाई गई लिंग्विस्टिक रीजन्स के बेसिस पे ठीक है कि यहाँ पे ये भाषा बोली जाती है तो ये कमेटी यहाँ बैठेगी ऐसे चलिए आगे चलते हैं इन दीज डिफरेंट वेज नेशनलिज्म वॉज टेकन टू द फारदेस्ट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड एम्बरेज बाई सोशल ग्रुप्स प्रीवियसली अन टच बाई इट इस तरीके से पूरे नेशन के कोने कोने तक नेशनलिज्म की भावना पहुंच पाई आईएनसी के थ्रू क्लियर अब देखिए अभी तक हमने बात करी कि नेशनलिस्ट मूवमेंट में एलिट तो थे ही और पुअर भी थे अब जो और इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भी धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट का पार्ट बनने लगे क्यों उन्होंने सोचा कि भैया अब काफ़ी दिनों अब अब काफ़ी टाइम बाद तो देखो इंडिया को फ्रीडम मिल ही जाएगी तो जो सारे फेवर अभी हमें रूलिंग क्लास ब्रिटिशर्स से मिलते हैं वो खत्म हो जाएंगे तो इसीलिए हमें इंडियंस की साइड पे जाना पड़ेगा तो इस तरीके से मैनी एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट ज्वाइन दी फ्रीडम मूवमेंट जी डी बिरला जी ने उन्होंने ओपनली नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट किया वाइल अदर्स डिड टैक्टिकली ठीक है चलिए सो so गांधी जी गांधी जी के एडमायर में दोनों पुअर पेजेंट से लेकर रिच इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे क्लियर है चलिए हाउ एवर पुअर इनका रीजन कुछ और था नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन करने का और रिच इंडस्ट्रियलिस्ट का कुछ और था जैसे मैंने आपको समझाया वो अपने फायदे के लिए इसको ज्वाइन कर करें अब इतनी जो फैन फॉलोइंग महात्मा गांधी जी की बन गई उनमें ऑब्वियसली उनका खुद का रोल तो था ही था बट ये गांधीयन नेशनलिज्म में उनके फॉलोअर्स का बहुत ज्यादा रोल था दब्स्टेंशियल एक्सटेंट ऑफ हिज फॉलोअर्स ठीक है अब इंडियंस जो आ, उनके फॉलोअर्स बन गए वो कौन कौन थे महादेव देसाई वल्लभ भाई पटेल जे बी कृपलानी सुभाष चंद्र बोस अबुल कलाम आजाद जवाहरलाल नेहरू सरोजनी नायडू गोविंद बल्लभ पंत एंड सी राजा गोपालाचारी ये ऐसे लीडर्स हैं जो खुद महात्मा गांधी जी को फॉलो करने लगे और इनके बेसिस पे जो इनकी फॉलोइंग थी वो भी सब्सिक्वेंटली

लगाएंगे एंड इन अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी तो आफ्टर हिज रिलीज द प्रिजन उन्होंने किन दो मुद्दों पे फॉलो किया खादी पे प्रमोटिंग द होन्स प्र, स्पन क्लॉथ एंड अनटचेबिलिटी को रिमूव करने पे क्लियर है चलिए आगे देखते हैं तो वो भैया पॉलिटिशियन तो अभी से पहले थे ही थे बट उन्होंने याद दिलाया कि मैं एक सोशल रिफॉर्मर भी हूँ राइट सो इन ऑर्डर टू बी वर्दी ऑफ फ्रीडम वो कहते थे कि आपको सबसे पहली बात तो डिज़र्विंग होना चाहिए और वो आप कब होगे जब आप सोशल इवेंट्स लाइक चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी को मिटा दोगे तभी आप फ्रीडम के डिजर्व करते हो फ्रीडम को डिजर्व करते हो और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा हिंदू मुस्लिम हारमोनी हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे फोकस करना पड़ेगा इम्प्रूव करना पड़ेगा ग्रेटर इंटॉलरेंस फॉर ईच एंड एवरी कम्युनिटी और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे क्या करना है हमें सेल्फ रिलायंट बनना है खुद हमें खादी पे स्ट्रेस देना है इंस्टेड ऑफ वेयरिंग इम्पोर्टेड क्लोथ फ्रॉम ओवरसीज अब हम चलते हैं द सॉल्ट सत्याग्रह पे जो हमारी डांडी मार्च हुई वो कैसे हुई कहाँ हुई कैसे शुरुआत हुई वेरी इंपॉर्टेंट अगेन पूरा ये चैप्टर काफ़ी क्रूशियल है क्योंकि इवेंट्स पे बेस्ड है चलिए सो so, 1928 में चार साल बाद फिर

क्लियर है उसके बाद भैया एंड ऑफ दिसंबर 1929 में कांग्रेस के एनुअल सेशन में एट लाहौर इंपॉर्टेंट है मैप वर्क पर्सपेक्टिव से भी देर वॉज मीटिंग फॉर टू सिग्निफिकेंट थिंग्स सबसे पहली बात तो इलेक्शन ऑफ जवाहरलाल नेहरू एज प्रेजिडेंट ऑफ द कांग्रेस जिसका मतलब अब हम एक नई जनरेशन को लीडरशिप दे रहे हैं और दूसरी चीज प्रोक्लेमेशन ऑफ कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो चीज़ों के लिए हमारा एनुअल सेशन ऑफ लाहौर कांग्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर है उसके बाद देखिए अब पॉलिटिक्स की पेस बढ़ने लगी अब काफ़ी स्पीडली चीज़ें होंगी 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे वॉज ऑब्जर्व इंपॉर्टेंट है शॉर्ट आंसर्स के लिए क्या किया गया नेशनल फ्लैग को होइस्ट किया गया डिफरेंट जगहों पे सेम टाइम पे पेट्रियाटिक सॉन्ग्स का यूज किया गया ठीक है क्या बोला गया गांधी जी ने? गांधी जी ने बोला बहुत अच्छा रहेगा अगर ऑल मीटिंग्स वेल्ड आइडेंटिकल मिनट इन ऑल द प्लेसेस, हर जगह पे सेम चीज़ हो रही है सेम टाइम पे क्लियर है ऐसे एक और लेवल पे हमारी जो नेशनलिस्ट स्पिरिट है राइज होगी आगे चलते हैं जो ये हमारा इंडिपेंडेंस डे था इसकी एडवरटाइजिंग कैसे की गई ट्रेडिशनल वे में बाई बीटिंग ऑफ ड्रम्स ठीक है ड्रम्स पर मार मार के सुनो 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 जैसे होता है राइट right? क्या बोला कि uh, सबसे पहले हम नेशनल फ्लैग हॉस्ट करेंगे और फिर द होल डे इन डूइंग सम कंस्ट्रक्टिव वर्क जैसे कि हम स्पिनिंग uh, कर रहे हैं चरखा पे या फिर सर्विस ऑफ अनटचेबल्स कर रहे हैं री ऑफ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे गोल्स पढ़े उनमें हम अपना पूरा दिन व्यतीत करेंगे ठीक है आगे चलते हैं सब लोग प्लेज लेंगे कि उनका हक है फ्रीडम एंड टू हैव फ्रीडम टू एंजॉय देयर फ्रूट्स ऑफ देयर ओन टॉयल क्लियर है कोई उनसे ये राइट नहीं छीन सकता टू बी इंडिपेंडेंट एंड टू बी फ्री क्लियर है अब चलते हैं डांडी मार्च पे सून आफ्टर ऑब्जर्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे कब 1930 है ना उसके बाद महात्मा गांधी जी ने अनाउंस किया कि वो एक मार्च लीड करेंगे एक डांडी मार्च रखेंगे टू ब्रेक वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिसाइकड लॉज इन ब्रिटिश इंडिया क्या लॉ था दैट द स्टेट मनोपली इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सोल्ट कि भैया सिर्फ और सिर्फ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सॉल्ट को मैन्युफैक्चर कर सकती है और प्रोड्यूस कर सकती है राइट कोई भी डोमेस्टिकली खुद से सॉल्ट नहीं बना सकता उसको जाके शॉप से खरीदना ही पड़ेगा बाय करना पड़ेगा राइट सो so इससे क्या होगा ब्रिटिशर्स का फायदा होगा है ना उनको पैसे मिल रहे हैं क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो हर हाउस होल्ड में चाहिए राइट चलिए सो दिस वॉज द वाइडली डिसलाइक लॉ तो गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया क्यों सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत ज्यादा ही मतलब लोगों को पता नहीं था कि ऐसा चल रहा है ये कोई मोनोपली चल रही है ताकि अवेयरनेस फैले और साथ ही साथ हम ब्रिटिशर्स को दिखा सके दैट वी आर सेल्फ सफिशेंट जो एज मैंशन सॉल्ट वाज इनडिस्पेंसिबल वो पीपल बट स्टिल पीपल वर फॉरबिडन फ्रॉम मेकिंग सॉल्ट इवन फॉर डोमेस्टिक यूज एंड दे वर कंपेल्ड टू बाय इट एट अ हाई प्राइस फ्रॉम शॉप्स तो इस स्टेट मोनोपोली को तोड़ने के लिए गांधी जी ने डांडी मार्च शुरू करी ऑल दो गांधी जी हैड गिवन एडवांस नोटिस पहले ही बता दिया था कि हम सॉल्ट मार्च करेंगे टू तो द वाइस लॉर्ड इरविन तब भी वो इस सिचुएशन uh, की सीरियसनेस को नहीं समझ पाए सो ऑन ट्वेल्व मार्च नाइनटीन थर्टी रिमेंबर द डेट आंसर में लिख के आनी है की वर्ड हैं ऑन ट्वेल्व मार्च नाइनटीन थर्टी गांधी जी बिग्न वॉकिंग फ्रॉम हिज आश्रम एट साबरमती द ओशन क्लियर है फर्स्ट पॉइंट हो गया उसके बाद तीन हफ्ते बाद वो उस डेस्टिनेशन पे पहुंचे मेकिंग अ फेस्ट फुल ऑफ सॉल्ट एज ही डिड वो लॉ की आंखों में क्रिमिनल बन गए राइट right? क्योंकि दिस वाज इलीगल चलिए फिर मीन वाइल पैरल सॉल्ट कंडक्टेड इन अदर पार्ट कंट्री साथ ही साथ और भी सोल्ट मार्चेस हो रही हैं समझ रहे हो चलिए आगे चलते हैं नॉन कॉपरेशन में जैसे हुआ था सोल्ट मार्च के साथ साथ अदर स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटेस्ट हो रहे थे जहाँ पे कोलोनियल फॉरेस्ट लॉस को ब्रेक uh, कर रहे थे पेजेंट्स फैक्ट्री वर्कर्स अपना काम नहीं कर रहे थे स्ट्राइक पे चले गए थे लॉयर्स वर बॉय द ब्रिटिश कोर्ट्स एंड स्टूडेंट्स रिफ्यूज टू अटेंड गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्लियर है भैया सो एज अ रिजल्ट इसका भी क्या हुआ द ब्रिटिश रूलर्स रिस्पॉन्डेड बाई डिटेनिंग द डिसेंटर्स अरेस्ट करने लगे वो लोगों को ऑलमोस्ट सिक्सटी थाउजेंड इंडियन वर अरेस्टेड जिनमें से गांधी जी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड ठीक है चलिए जो गांधी जी की मार्च थी कितनी हो गई है वो कहाँ पहुँचे हैं वो कैसे ट्रैक होती थी बाय द सीक्रेट रिपोर्ट्स फाइल्ड बाय पुलिस हु हुआ डेप्यूटेड टू मॉनिटर हिज मूवमेंट्स बाय द ब्रिटिश सीक्रेट रिपोर्ट्स से हमें पता चलता है कि ऐसे ऐसे मूवमेंट चली ठीक है दीज रिप्रोड्यूस द स्पीचेज दैट ही गेव फ्रॉम विलेज टू विलेज जो भी विलेज रास्ते में पढ़ते थे वो गांधी जी वहां पे मोटिवेशनल स्पीचेस देते थे नेशनलिज्म जगाने के लिए पेट्रियोटिज्म जगाने के लिए लोगों में क्लियर है उधर वो क्या बोलते थे जो लोकल ऑफिशियल्स थे जो जमींदार थे तालुकदार्स थे उन सबको बोलते थे टू रिनाउंस द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल तुम ब्रिटिशर्स के अंडर नौकरी ख़त्म कर दो छोड़ दो और फ्रीडम स्ट्रगल का आके पार्ट बन जाओ क्लियर है और वो क्या बोलते थे गांव- गांव गाँग जाके टू यू नो अपर कास्ट वो बोलते थे कि सिर्फ सॉल्ट रू लॉ ब्रेक करने से हमें स्वराज नहीं मिलेगा आपको अनटचेबल्स की सेवा करनी पड़ेगी यूनिटी लानी पड़ेगी हिंदू मुस्लिम्स पारसी सिक्स की और आपको सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा दीज आर द स्टेप्स टुवर्ड्स स्वराज ठीक है नॉट ओनली वन मूवमेंट कैन गिव यू फ्रीडम ठीक है बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर गांधी जी की स्पीचेस अटेंड करते थे नियरली थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स वर फ्लॉकिंग टू द नेशनलिस्ट कोर्स ठीक है भैया अमंग अमंगदैम बहुत सारे ऑफिशियल्स थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से विद द कोलोनियल गवर्नमेंट एज इंस्ट्रक्टेड बाई गांधी जी ठीक है और उस रिपोर्ट में उस पुलिस ऑफिशियल ने क्या बोला दैट मिस्टर गांधी अपियर काम एंड कलेक्टेड ही इज गैदरिंग मोर स्ट्रेंथ एज ही प्रोसीड्स आई बात समझ में चलिए सोल्ट मार्च की प्रोग्रेस एक और सोर्स से हमें पता चलती है जो कि है अमेरिकन न्यूज मैगजीन पहले तो सीक्रेट रिपोर्ट्स ठीक है और उसके बाद अमेरिकन न्यूज मैगजीन यहां से हमें पता चलता है क्या क्या हुआ कौन सी मैगजीन टाइम सबसे पहले तो ये मैगजीन गांधी जी का मजाक उड़ाती थी वो कैसे दिखते हैं उस पे ठीक है राइटिंग विद डिस्डेन ऑफ इज स्पिंडली फ्रेम एंड हे स्पाइडरी लॉयस कि वो कैसे पतले से हैं और कैसी धोती पहनते पहले मजाक उड़ता था उनका राइट क्योंकि वो मैगजीन बिलीव ही नहीं कर पाती थी कि ये जो इतने पतले इंसान है ये इतना कर पाएंगे इतना चल पाएंगे डज ही एक्चुअली हैव दोज केपेबिलिटीज बट विद इन अ वीक इट हैड चेंज इट्स माइंड फिर वो एकदम यू नो फ्लिप हो गए फिर उन्होंने कहा द मैसेव पॉपुलर फॉलोइंगट द मार्च हैड गांडर्ड सब कुछ लिखा मेड द ब्रिटिशर्स डेस्परेटली एंक्शियस कि भैया ब्रिटिशर्स के पसीने ही छूट गए इस स्टेप से जो गांधी जी ने लिया तो वो गांधी जी की प्रेस करने लगे कौन द टाइम्स मैगजीन आगे चलते हैं अब मैगजीन खुद गांधी जी को कैसे बोलती थी सल्यूटेड हिम एज अ सेंट एज अट एजेट मैन यूजिंग क्रिस्चियन एक्ट वेपन अगेंस्ट मैन विद क्रिश्चियन बिलीफ समझे बात को ये बहुत इंपॉर्टेंट है सी में आ सकता है क्लियर है लाइन किसने बोली है या फिर हु हुफर टू गांधी जी एज सेंट और अ स्टेट्समैन इट इज द अमेरिकन मैगजीन टाइम्स क्लियर है आगे चलते हैं चलिए तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो इंडिपेंडेंस डे थर्टी जनवरी 1930 को ऑब्जर्व हुआ इट वॉज स्टार्टिंग ऑफ वॉट इट वॉज दर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ठीक है यहां से शुरुआत हुई सिविल डिस मूवमेंट की क्लियर है चलिए अब आगे चलते हैं अब ये जो टॉपिक है डायलॉग्स हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे एफर्ट्स शुरू हो गए बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अदर पार्टीज टू परसुएट द ब्रिटिश फॉर इंडिपेंडेंस ठीक है कैसे एक यू नो नेगोशिएशन हो रही है चीज़ों पे कैसे क्या होगा कैसे फ्रीडम मिलेगी सब कुछ बहुत क्रूशियल है काफ़ी ज़्यादा इसमें ये सी यू ई टी ऑनवर्सना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारा पार्ट क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेट्स टेक्निकैलिटीज हैं चलिए द सॉल्ट मार्च वॉज नोटेबल फॉर एटलीस्ट थ्री रीजनस सॉल्ट मार्च क्यों इंपॉर्टेंट थी आंसर क्वेश्चन आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहली चीज बिकॉज इट ब्रॉट महात्मा गांधी टू वर्ल्ड अटेंशन ओवरऑल यूरोप और अमेरिका में भी जो प्रेस थी दे फोकस्ड ऑन दिस मूवमेंट एंड महात्मा गांधी जी फाइनली बिकेम एन इंटरनेशनल फिगर क्लियर है फिर इट वॉज द फर्स्ट नेशनल एक्टिविटी इन विच विमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन बहुत ज्यादा था द सोशल एक्टिविस्ट कमला देवी चट्टोपाध्याय परसुएटेड गांधी जी टू नॉट रिस्ट्रिक्ट दिस मूवमेंट टू ओनली मैन की वीमेन को भी प्लीज अलाउ किया जाए फिर तीसरा पॉइंट क्या है इट वॉज मार्च जिसने ब्रिटिशर्स को रियलाइज कराया कि तुम फॉर हमेशा के लिए यहाँ पे रूल नहीं कर पाओगे यू वुड हैव टू गिव अप एंड अल्टीमेटली द रियलाइजेशन दैट राज वुड नॉट लास्ट फॉर एवर एंड दैट दे वुड हैव टू डिवोट सम पावर टू द इंडियंस क्लियर है तो ये तीन चीजें हैं बहुत ज्यादा ही महत्व रखती हैं वेन वी एनालाइज द सोल्ट मार्च चलिए अब देखिए क्या हुआ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वीन सीरीज ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इन लंडन क्यों क्योंकि अब उन्हें पता चल गया कि भैया आपको इंडियंस को कुछ तो पावर देनी पड़ेगी ऐसे नहीं चलेगा ठीक है सो so, जो पहली मीटिंग हुई नवंबर 1930 में दैट वाज अनसक्सेसफुल क्योंकि गांधी जी तब जेल में थे तो कोई यू नो प्री एमिनेंट पोलिटिकल लीडर इन इंडिया जो था वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था देन नाइनटीन में गांधी जी वॉज रिलीज फ्रॉम जेल सो so जनवरी 1931 गांधी जी वॉज रिलीज फ्रॉम जेल और फिर उन्होंने जेल से निकलते ही वाइस रॉय के साथ काफी सारी लॉन्ग मीटिंग्स करी जिसमें से हमारा गांधी इरविन पैक्ट निकल के आया अकॉर्डिंग टू विच क्या टर्म्स थी कि भैया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वुड बी कॉल्ड ऑफ ठीक है एंड ऑल प्रिजनर्स वुड बी रिलीज एंड सॉल्ट मैन्युफैक्चर अलाउड along द कोस्ट ये शर्तें थी जो गांधी इरविन पैक्ट में निकल के आई कि गांधी जी ने बोला कि ठीक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को मैं खत्म करता हूँ आप प्रिजनर्स को छोड़िए जो भी आपने अरेस्ट किया है और हमें सोल्ट मैन्युफैक्चरिंग की पावर दीजिए क्लियर है चलिए आगे चलते हैं फिर हमारी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंडन में इन द लैटर पार्ट ऑफ 1931 क्लियर है सेकेंड हाफ में फिर वहां पर क्या हुआ वहां पर गांधी जी रेप्रेजेंटेड द कांग्रेस गांधी जी ने बोला दैट आई रिप्रेजेंट इंडिया एज अ होल बट ये स्टेटमेंट तीन पार्टीज ने चैलेंज करी नंबर वन मुस्लिम लीग कि भैया नो आप माइनॉरिटी uh, uh, के इंटरेस्ट नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर टू द प्रिंसेस कि भैया आप प्रिंसली स्टेट्स की टेरिटरीज के भी इंटरेस्ट नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड नंबर थ्री द ब्रिलियंट लॉयर एंड थिंकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु आरग्यूड दैट गांधी जी एंड द कांग्रेस डिड नॉट रियली रिप्रेजेंट द लोअर कास्ट क्लियर है तो इससे हमें दिख रहा है कि क्या क्या कॉम्पिटिशन थे गांधी जी की नेशनल कांग्रेस के लिए क्लियर है चलिए अब अब चलते हैं आगे ये ये जो लंडन वाली कॉन्फ्रेंस थी ये भी इनकंक्लूसिव थी तो गांधी जी आ गए वापस एंड ही रिज्यूम्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अब जो न्यू वाइस रॉय आए लॉर्ड विलिंगडन वो बहुत ज्यादा ही अनसिम्पथेटिक थे टू तो द इंडियन लीडर और उन्होंने गांधी जी के बारे में काफी कुछ ऐसा uh, सब भी बोला कि इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड इफ इट वॉजन फॉर गांधी क्लियर है आगे चलते हैं इन 1935 थर्टी फाइव हाउ एवर अ न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास प्रोमिस्ड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थोड़ी सी क्या दे दी गई ऑटोनॉमी दे दी गई इंडियंस को सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली डायर की बाय कैमलिज इंट्रोड्यूस हु, हु, हुआ फेडरल लिस्ट प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट क्रिएट हुई तो जो थोड़ी सी पावर थी वो अब डेलीकेट कर दी गई धीरे धीरे टू इंडियंस ताकि वो भी थोड़े शांत हो जाए अब चलते हैं टू इयर्स लेटर प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए जहां पे कांग्रेस वन अम्प्रीहेंसिव विक्ट्री नाउ एट आउट ऑफ इलेवन प्रोविंस है वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश गवर्नर ठीक है भैया अब सितंबर 1939 में टू इयर्स आफ्टर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज अज्यूम्ड ऑफिस द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट अब भैया सेकंड वर्ल्ड वॉर आ गई इसमें क्या किया इसमें भैया कांग्रेस ने बोला ब्रिटिशर्स को कि हम इंग्लैंड का सपोर्ट तभी करेंगे जब आप बदले में हमें इंडियन इंडिपेंडेंस देंगे आफ्टर द वॉर इज ओवर ये अब मना कर दिया ब्रिटिशर्स ने ये प्रपोजल मना कर दिया डिनाई कर दिया सो दिस ऑफर वॉज रिड्यूस्ड इन प्रोटेस्ट क्या किया कांग्रेस ने कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया इन अक्टूबर 1939 थ्रू 1940 एंड 41 कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड अ सीरीज ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रहस अलग-अलग छोटे-छोटे प्रोटेस्ट चलते रहे टू प्रेशराइज द रूलर्स टू प्रॉमिस फ्रीडम वंस द वॉर हैड एंडेड क्लियर है अभी भी एफर्ट्स चल रहे हैं आगे चलते हैं मीनवाइल इन मार्च 1940 अब भैया मुस्लिम लीग का अलग से सीन चल रहा है यहां पे अभी तक तो हम ब्रिटिशर्स है ना वर्सेस इंडियन है ना या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ रहे थे अब तीसरी पार्टी यहां आ जाती है कौन हमारी मुस्लिम लीग ठीक है तो एक तरफ ब्रिटिशर्स है एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है आई और एक तरफ मुस्लिम लीग है अब भैया ये तीन लोगों के बीच में सीन चलेगा देखिए अब इन मार्च 1940 द मुस्लिम लीग पास द रेजोल्यूशन डिमांडिंग अ मेजर ऑफ ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट की जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उनको आप कुछ ऑटोनॉमी दो फ्रीडम दो कुछ पावर दो उनके खुद के लिए ठीक है तो अब भैया इट हैड बिकम अ थ्री वे स्ट्रगल बिटवीन द कांग्रेस मुस्लिम लीग एंड द ब्रिटिश नाउ इट वाज नो मोर बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द इंडियंस अब भैया इस टाइम पे जो ब्रिटेन की एन ऑल पार्टी गवर्नमेंट थी एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट थी जो गवर्नमेंट जो उस गवर्नमेंट के अंडर लेबर मेंबर्स थे वो तो इंडियंस की तरफ बहुत सिंपथेटिक थे बट जो कंजर्वेटिव मेंबर्स थे जो पीएम था कौन था विंस्टन चर्चिल ही वाज नॉट दैट सिंपथैटिक टुवर्ड्स इंडियंस ठीक है तो उन्होंने कोई भी अभी फैसला नहीं लिया दैट येस वी आर गोइंग टू फ्री इंडिया ठीक है भैया सो so, अब क्या होता है इन द स्प्रिंग ऑफ 1942 फोर्टी टू चर्चिलइज विद गांधी एंड द कांग्रेस फिर नेगोशिएशन होती है टॉक्स होती है हाउ एवर द कांग्रेस इन सिस्टेड दट इफ इट वॉज टू हेल्प ब्रिटिश डिफेंड इंडिया फ्रॉम द एक्सिस पावर यानी कि हम वर्ल्ड वॉर में आपकी मदद करेंगे तो सबसे पहला डिसीजन क्या होगा आपको डिफेंस मेंबर जो है वो इंडियन अपॉइंट करना पड़ेगा क्लियर है हम तभी आपकी हेल्प करेंगे चलिए अब हम चलते हैं क्विट इंडिया की तरफ कैसे चीजें फाइनली फ्रीडम की तरफ मूव कर रही हैं सो आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च हिज थर्ड मेजर मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल तो अभी तक हमने कितनी मूवमेंट्स पढ़ी है सबसे पहली मूवमेंट हमारी कौन सी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चोरी चौरा के इंसिडेंट uh, के बाद कॉल ऑफ कर दी गई थी उसके बाद हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसमें हमारा डांडी मार्च होता है है ना हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है और फिर थर्ड मेजर इज क्विट इंडिया मूवमेंट क्लियर है चलिए भैया घबराना नहीं है इसको आप फटाफट रिवाइज करेंगे ना ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे एनसीईआरटी में तो एकदम से सब कवर हो जाएगा चलिए सो दिस वॉज द क्विट इंडिया कैंपेन विच बिगेन इन ऑगस्ट 1942. सो नाइनटीन फोर्टी में हमारा क्विट इंडिया कैंपेन शुरू होता है जिसमें गांधी जी तो जेल में चले गए थे ही एनकरेज यंगर एक्टिविस्ट टू ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स एक्ट्स ऑफ ओवर द कंट्री इधर भैया जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे वो ज़्यादा इन्वॉल्व थे अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस सोशलिस्ट मेंबर्स तो करते ही थे फॉर एग्जाम्पल जयप्रकाश नारायण हमने बुक हमने पोलिटिकल साइंस में पढ़ा है ये राइट चलिए इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स वर प्रोक्लेम्ड काफ़ी सारे जगहों पर प्रोविंस पे जो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स थी वो पावर में आने लगी ठीक है आगे चलते हैं

वो अपना प्लान बना रहे थे हम कैसे क्या करेंगे ठीक है एट एक्सपेंडिंग देयर इन्फ्लुएंस चलिए अब हम चलते हैं जून 1944 में जब वॉर तो एंड हुई थोड़ी बहुत और गांधी जी वॉज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन तो अब यहाँ पे हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड एंड गांधी जी वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन अब देखते हैं क्या हुआ अब गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मीटिंग्स करी टू ब्रिज द गैप बिटवीन कांग्रेस एंड द लीग की कोई सोल्यूशन निकल पाए भैया दोनों पार्टीज इतनी अलग हैं तो हम ब्रिज कर पाए दोस्त बन पाए ठीक है तो इन 1945 वो जो आ, ब्रिटेन में कौन सी गवर्नमेंट थी ऑल पार्टी गवर्नमेंट अब वो लेबर गवर्नमेंट आ गई उसकी जगह पावर में और लेबर गव लेबर गवर्नमेंट के लोग क्या थे क्या थे सिंपथेटिक थे इंडिया की तरफ वो चाहते थे कि चलो अब इनको फ्रीडम दे दी जाए सो so, लेबर गवर्नमेंट आ गई पा, आ, पावर में ब्रिटेन में एंड कमिटेड इट्सल्फ टू ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया सो लेबर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम आपको अब आज़ाद कर देंगे Clear है। अब in पे Viceroy भी बात कर रहे हैं आईएनसी और मुस्लिम लीग के साथ क्लियर है कि क्या सीन है कैसे क्या करना है बताइए चलिए अर्ली इन 1946, फ्रेश इलेक्शंस अब भैया जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन हुए वहां पे कांग्रेस तो जीत गई लेकिन जनरल कैटेगरी के अंदर मुस्लिम कैटेगरी के अंदर मुस्लिम लीग जीती एकदम मेजॉरिटी से तो अब हम देख पा रहे हैं दोनों पार्टीज अपनी अपनी जगह पे एकदम पॉपुलर है तो अब क्या होता है अब यहाँ से हमें पता लगने लगता है कि भैया पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो आ गई है काफी यू you नो know, दोनों में डिफरेंसेस आ गए हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में तो अब ना ही तो जितने भी कैबिनेट मिशन भेजे ना ही कांग्रेस ना ही मुस्लिम लीग ने फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे अग्री किया कि एक ही इंडिया में सब साथ में आ, प्रोविंसेस की डिग्री की अटोनोमी देंगे और साथ में रहेंगे ये अग्री नहीं हो पाया फिर जिन्ना कॉल्ड फॉर अ डायरेक्ट एक्शन डे टू प्रेस द लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान एक डायरेक्ट एक्शन डे रखा ऑन द डेजिग्नेटेड डे कौन सा डे था ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी सिक्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस डे फिफ्टी ऑगस्टीन ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी सिक्स पे क्या हुआ भैया ब्लडी राइट ब्रोक इन कैलकाटा द वायलेंस स्प्रेड टू रूरल बेंगोल देन टू बिहार एंड देन अक्रॉस द कंट्री टू यूपी जो तब यूनाइटेड प्रोविंस कहलाया जाता था एंड द पंजाब तो आप देख रहे हैं दंगे फैल गए ठीक है इन सम प्लेसिस मुस्लिम वर द मेन सफर इन अदर्स हिंदूज

वेन दीज टू प्रूव इनकनक्लूज इनसे भी कुछ सोल्यूशन नहीं निकला तो फाइनली ये तो डिसाइड हुआ कि इंडिया को फ्रीडम मिलेगी बट साथ ही साथ इंडिया डिवाइड भी होगा क्लियर है चलिए सो so हम हमें फ्रीडम के साथ साथ क्या मिल रहा है डिविजन चलिए तो इस बात से ऑब्वियसली गांधी जी वॉज नॉट हैप्पी राइट सो द फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर वॉज फिक्सड फॉर फिफ्टींथ ऑगस्ट जब वो दिन आया तो सब ने बहुत सेलिब्रेट किया इन applause when the president of the ऑफ Assembly असेंबली the द मीटिंग invoking the द फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी आउटसाइड द असेंबली सब कह रहे थे महात्मा गांधी की जय तो ये एक पूरा फिनोमेना चल रहा था Everybody was हैप्पी अब हम चलेंगे टू द लास्ट डेज गांधी जी का जो लास्ट का कुछ टाइम था वो कैसा गया वो क्या कर रहे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज अचीव चलिए सो फिफ्टींथ अगस्त 1947 को ही वॉज इन कैलकटा ही डिड नॉट अटेंड एनी फंक्शन नाइदर डिड ही होइस्ट एनी फ्लैग वो सिंपल अपना एक 24 फोर आवर फास्ट कर रहे थे उस टाइम पे बिकॉज उनके लिए फ्रीडम केम एट एन अनएक्सेप्टेबल प्राइज यानी कि विद नेशन डिवाइडेड एंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स एट ईच अदर थ्रोट्स ठीक है ही डिड नॉट लाइक इट गांधी जी वेंट अराउंड अब भैया सेप्टेंबर और अक्टूबर में गांधी जी वॉज ऑन अ कॉन्स्टेंट जर्नी ही वेंट अराउंड हॉस्पिटल एंड रेफ्यूजी कैंप्स गिविंग कॉन्सोलेशन टू डिस्ट्रेस्ड पीपल क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा था Uh, uh, हमारा डिवीजन uh, हुआ था तो भैया भगदड़ मची हुई थी किसको कहाँ जाना है इतना हमने पढ़ा है ना पॉलिटिकल साइंस में बहुत डिस्प्लेसमेंट हुआ काफ़ी कुछ चल रहा था जो मुस्लिम्स uh, थे इंडिया में और जो हिंदूज एंड सिख्स थे पाकिस्तान में उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी बिकॉज दे वर माइनॉरिटीज़ हियर तो गांधी जी वो सब टैकल कर रहे हैं एट द इनिशिएटिव ऑफ गांधी जी एंड नेहरू द कांग्रेस नाउ पास द रेजोल्यूशन ऑन द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ अब इंडिया की बात हो रही है क्या डिसाइड किया कि भैया इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेनी रिलीजन एंड मेनी रेसेस एंड मस्ट रिमेन सो हम इंडिया को एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे चाहे आप हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो कुछ भी हो आप इक्वल हो इन द लाइज इन द आइज ऑफ लॉ ठीक है सो हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे इन रिस्पेक्टिव ऑफ देर रिलीजन यानी कि इंडिया को सेक्युलर बना दिया गया डन चलिए अब हम आते हैं फाइनेस्ट आर्स पे मैनी स्कॉलर्स हैव रिटन ऑन द मंथ्स आफ्टर इंडिपेंडेंस एज बींग गांधी जीज फाइनेस्ट आर्स यानी कि उनका लास्ट टाइम तो ही वॉज कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू ब्रिंग पीस इन बेंगॉल फिर वो डेली गए ऑन अ कॉन्स्टेंट मूव फिर वो पंजाब गए ठीक है अब भैया काफ़ी सारे रेफ्यूजीज बहुत ज़्यादा उनसे गुस्सा थे कि भैया आप यहाँ इंडिया में मुस्लिम्स की मदद कर रहे हो आप उनको मदद करो ना जो पाकिस्तान में हिंदूज और सिख्स हमारे फंसे हुए हैं तो काफ़ी थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ हो रही थी अब आगे चलते हैं अब भैया 20 जनवरी 1948 को गांधी जी की लाइफ पे एक अटेम्प्ट हुआ बट वो बच गए उसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं उनका क्या विजन था वो बस यही चाहते थे कि सब इक्वली हारमनी में रहें दो जियोग्राफिकली और फिजिकली हम दो नेशंस में बट गए हैं पॉलिटिकली हम दो नेशंस में बट गए हैं बट मैं हमेशा चाहूंगा कि हम फ्रेंड्स और ब्रदर्स की तरह रहें इंडिया और पाकिस्तान क्लियर है पीस प्रिवेल हो राइट अब आते हैं उनकी डेथ पे एट हिज डेली प्रेयर मीटिंग ऑन द इवनिंग ऑफ थर्टी जनवरी दस दिन बाद ये अटैक दस दिन पहले हुआ अब तीस जनवरी 1948 को उनको किसी ने शूट कर दिया हु हुज ही ही वॉज यंग मैन द असैसिन हु असिनडर्ड आफ्टरवर्ड्स वॉज अ ब्राह्मिन फ्रॉम पुणे नेम्ड नथुराम गोडसे क्लियर है ही वॉज एन एडिटर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट हिंदू न्यूज पेपर जो हिंदूज की साइड था एंड ही अगेन उनको बहुत ज्यादा यू नो ग्रजेस थे फ्रॉम महात्मा गांधी की वो मुस्लिम्स की क्यों हेल्प कर रहे हैं ये वो ये वो क्लियर है सो दिस वॉज अबाउट द डेथ ऑफ अबाउट द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी अब जब उनकी डेथ हो गई सो इट लेड टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ विद रिच ट्रिब्यूट बींग पेड टू हिम इंटरनेशनल फिगर्स लाइक जॉर्ज औरवेल और एल्बर्ट आइंस्टाइन से उन्हें कंपेयर किया गया इंटरनेशनल uh, हमारी अरीना में फिर टाइम्स मैगजीन जो उनका पहले मजाक उड़ाती थी जैसे हमने पढ़ा नाउ इट कंपेयर्ड हिम टू अब्राहिम लिंकन जैसे अब्राहिम लिंकन का असासीनेशन हुआ था फॉर द सेम रीजन दैट ही बिलीव इन इक्वालिटी इव इस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट क्लास क्रीड एंड रेस सिमिलरली महात्मा गांधी जी के साथ भी हुआ क्लियर है चलिए सो दिस वाज अबाउट द लास्ट डेज लास्ट हीरोइक डेज ऑफ महात्मा गांधी अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे विच इज नोइंग गांधी इसमें हम पढ़ेंगे सोर्सेज क्या क्या सोर्सेज है जिससे हम हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट कर पाए हैं जो हमने अभी पढ़ी बहुत इजी है ये बस एक रीडिंग करनी है जो जो हाइलाइटेड है मैं बस वही बताऊंगी और कुछ भी नहीं है इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ठीक है सबसे पहली चीज़ पब्लिक वॉइस एंड पब्लिक स्क्रिप्ट सबसे बड़ा सोर्स है हमारा राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ महात्मा गांधी एंड हिज कंटेम्प्रेरीज स्पीचेस क्या होती है इट अलाउ अस टू हियर द पब्लिक वॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल वो पब्लिकली खुल्लेआम क्या कहना चाहते हैं एंड प्राइवेट लेटर्स से हमें उनके प्राइवेट थॉट्स जो अंदर उनकी आइडियोलॉज आइडियोलॉजीज है उनका पता चलता है ठीक है सो so, महात्मा गांधी जी रेगुलरली पब्लिश इन हिज जर्नल हरिजन लेटर्स दैट अदर्स रोड टू हिम ठीक है सी यू टी के परस्पेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नेहरू जी ने सिमिलरली अपने सारे लेटर्स किस में पब्लिश करे अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स करके एक डॉक्यूमेंट्री में क्लियर है यहाँ पे आप उनके लेटर्स भी देख सकते हैं बुक में प्रोवाइडेड है चलिए आगे चलते हैं उसके बाद फ्रेमिंग अ पिक्चर ऑटोबायोग्राफीज है हमारा एक अनदर सोर्स ऑटोबायोग्राफी से हमें पता चलता है अबाउट द पास्ट ऑफ द ह्यूमन कैसे वो था वो क्या करते थे ठीक so, है सो दे आर बेस्ड ऑन रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट्स यानी कि सोचते हैं वापस जब हम पास्ट में जा रहे हैं तो सोच रहे हैं अब भैया ऑटोबायोग्राफीज का क्या रहता है कई बार हो सकता है राइटर कुछ भूल जाए या वो सिर्फ उतना बता रहा है जो वो रिकॉल कर पा रहा है सो so, हम एंटायरली वही है इन पैराग्राफ्स में ये बताया गया है कि क्या थोड़े लूप होल्स हैं इन सोर्सेज में एंड वी कैन नॉट यू नो एंटायरली हंड्रेड परसेंट बी श्योर ऑफ द कॉन्टेंट चलिए उसके बाद चलते हैं थ्रू पुलिस आइज यानी कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जो पुलिस ऑफिसर्स रिकॉर्ड करते थे जैसे कि हमने डांडी मार्च के टाइम पर पढ़ा राइट uh, किसके लिए वो करते थे कॉलोनियल रूलर्स के लिए करते थे ताकि उन्हें पता चले टू कीप क्लोज टैब्स ऑन दोज दे रिगार्डेड एज क्रिटिकल ऑफ़ द गवर्नमेंट ठीक है भैया फॉर एग्जाम्पल द फोर्थ नाइटिंगली रिपोर्ट दैट वर प्रिपेयर बाय द होम डिपार्टमेंट फ्रॉम द अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी एक एग्जाम्पल ये है ठीक है ऐसी रिपोर्ट्स में क्या बताया गया कि भैया ये जो डांडी मार्च थी ये एक ड्रामा था एक एंटिक था एक एफर्ट था टू मोबिलाइज पीपल जो आराम से विजेस में खुशी खुशी रह रहे हैं उनको जागरूक करने के लिए कि उठो हमें आज़ादी चाहिए ठीक है भैया आगे चलते हैं मूविंग ऑन टू लास्ट सोर्स विच इज़ न्यूज पेपर वन मोर वन मोर इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द कंटेम्प्रेरी न्यूज पेपर पब्लिश्ड इन इंग्लिश एंड अदर डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस न्यूज पेपर्स भी भैया हमेशा पोलिटिकली करेक्ट नहीं हो सकते वो प्रिजोडिस्ड होते हैं द राइटर द ऑथर वी नेवर नो उनके खुद के पोलिटिकल ओपिनियंस और वर्ल्ड व्यूज कैसे हैं क्लियर है सो गाइज वी हैव कवर्ड द होल चैप्टर वेरी कॉम्प्रीहेंसिवली मैंने सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करी येस yes, थोड़ा ज़्यादा हैवी uh, है ये चैप्टर जो कॉन्टेंट है वो बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल लगेगा काफ़ी डेट्स इवेंट्स याद करने हैं तो इसका एक ही तरीका है कि आप खुद से एक टाइमलाइन बनाएं जैसे मैंने साइड में कॉलम्स में नोट्स बनाए हैं आप वैसे अपनी खुद की एक छोटी सी टाइमलाइन तैयार करें विच इज़ ईजी फॉर योर रिविजन एंड रिकॉल क्लियर है ग्रेट एज़ यूजल मैं हमेशा कहती हूँ बहुत एफर्ट लगता है वीडियोज़ बनाने में फर्स्टली आई हैव टू गो थ्रू द चैप्टर फिर हाईलाइटिंग करनी है फिर रिकॉर्डिंग करनी है एक्सप्लेनेशन वीडियोज देन एडिटिंग एंड देन द फाइनल प्रोडक्ट कम्स टू यू क्लियर है सो so, मेरा बस यही रिक्वेस्ट रहता है, है कि आप इसको सबसे पहले तो शेयर करें विद एवरी वन हु इज़ इन नीड एंड फिर सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें इस वीडियो को जस्ट कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस एंड आई बी हियर टू हेल्प यू आउट इन योर जर्नी सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टूडेज वीडियो आई होप यू लाइक डिट एंड इफ यू डिड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल यू आर एट ह्यूमैनिटीज हैप्पी लर्निंग आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो